अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। आई एम योर मैथ टीचर जुनैरा फ्रॉम अलाइड स्कूल अल फजर कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7B एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फाइंड आउट करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन, यानी आपने 15% को फ्रैक्शन में चेंज कर देना, यानी 15 तो एज इट इज़ आ जाएगा 15, और परसेंट का आप क्या लगा दोगे 100, और देन आप इसकी क्या कर दोगे कटिंग कर दोगे किसी भी टेबल पे। 5 पे मैं कटिंग करने लगी हूँ, 5 3 15, 5 2 10 और 0 का 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या है 3/20। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है, आपने किस में चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। आपने इस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे 1/5 को मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 के साथ, यानी परसेंट के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 1 5, 5 2 10 और 0 का 0, तो यानी 20 20%। इस तरह आपका किस में चेंज हो जाएगा परसेंट में। अब ये 4.2 है, तो 4.2 को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करवाओगे 100 के साथ, और यहाँ पे आप पॉइंट कट करोगे तो 10 आ जाएगा, 1010 से कट जाएगा, 42 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आएगा 420%। इस तरह आपने किस में चेंज किया कन्वर्ट करवाया परसेंटेज में, ठीक है। 1/5 को परसेंटेज में चेंज करवाने के लिए आपने मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। आगे फाइंड द रेट परसेंट, आपने रेट परसेंट फाइंड करना है, तो आप लिखोगे रेट इन परसेंट, रेट इन परसेंट 7/28, यानी 7/28, तो आप परसेंट फाइंड करना है तो आप मल्टीप्लाई क्या करोगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, और 7 1 7 होता है, 7 4 28, और 4 2 8 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा तो 20 बन जाएगा, 4 5 20, तो आपका परसेंट रेट क्या आया 25% रेट आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपने रेट परसेंट फाइंड करना है, रेट इन परसेंट 20 ग्राम आउट ऑफ 50 ग्राम, 20 ग्राम आउट ऑफ 50 ग्राम मल्टीप्लाई किससे कराओगे 100 से, 1010 से कट गया, 5 1 5, 5 4 क्या आ गया 20, तो 4 10 40% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है रेट इन परसेंट, आप क्या करोगे 39.50 लीटर डिवाइडेड 1975 और मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 के साथ, इसका पॉइंट कटेगा तो कितने 2 0 लगेंगे, तो यानी यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट कट किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे जितने डिजिट उतने 0, ये वाला 100 इस 100 से कट जाएगा, और 197 2 क्या आ जाएगा 3950, यानी 1975 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास ये नंबर आता है, ठीक है, तो मेरा आंसर आया 2%। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज 30, यानी 240 व्हाट क्या परसेंट होगा 240 के लिए अगर इज 30, तो इज 30 का मतलब है जो 30 है वो ऊपर आएगा, 30 ऊपर आएगा, इज वाले के बाद वाला 240 नीचे आएगा, और परसेंट का क्या लगेगा 100, 1010 से कटेगा, और 3 के टेबल पे कटिंग कर लेते हैं हम, 3 10 30, 3 8 24, और 10 10 100 आ जाएगा, या 2 के टेबल पे कर लें 2 4 8, 2 5 10, और 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, और डिवाइडेड बाय 2, और 25 को आप 2 पे डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 2 1 2, 5 नीचे आ जाएगा, तो 2 2 4, 1 आप नहीं जाता तो आप क्या करोगे पॉइंट लगाया और 0 नीचे तो रहा, पॉइंट ऊपर भी 2 5 10, इस तरीके से आपका आंसर क्या आएगा 1 2.5, आपका आंसर क्या है 1 2.5%, ठीक है। तो क्या होगा व्हाट परसेंट 1 2.5% ऑफ 240 इज 30। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज 18 मिनट्स। पहले आपको पता चाहिए 1 डे किसके इक्वल आ रहा है, 1 डे में क्या होता है 24 आवर्स होते हैं, और हर जो एक घंटा है वो किसके इक्वल होता है 60 के, तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा 1440 मिनट। तो आपने अब क्या बताना है कि कितने मिनट पे इज 18 मिनट्स, जैसे हमने इस क्वेश्चन में इज 30 को ऊपर रखा था 240 को नीचे, इसमें भी हम यही करेंगे 18 ऊपर
और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1010 से कट हो जाएगी। 2 के टेबल पे कटिंग कर लेते हैं। 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 9s are 18। दोबारा से 2 पे कर लेते हैं। 2 3s are 6, 1 इधर कैरी आ जाएगा। 2 6s are 12 और 2 5s are 10। और अब हम क्या करते हैं, 3 पे कर लेते हैं। 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12। अब आपके पास क्या है, 5/4 आ गया। तो आप 5/4 को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो इस तरीके से आपके पास जो डिवाइड करोगे जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी 4 को आप 5 को अंदर रखोगे और 4 पे 5 1s are 5 और 4, तो इसको डिवाइड करवा के आप चेक कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।